तुम्हें उस इवेंट के बारे में भी पता है जो प्रणय ने मेरे लिए रखा है? टीना ने रितिका की तरफ देखते हुए रणविजय से पूछा। उसे लगा कि रितिका ने उसे बताया होगा, लेकिन रितिका ने ना में सर हिला दिया। इस इंडस्ट्री में मैं जो कुछ भी जानना चाहता हूँ वो जान लेता हूँ, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब रितिका को एहसास हो रहा था कि आखिर रणविजय को इस इंडस्ट्री का किंग क्यों कहा जाता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। टीना, तुम अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मनों की खबर तुमसे ज्यादा मैं रखता हूँ, और उन्हें कैसे रास्ते पर लाना है ये भी मुझे अच्छे से पता है, रणविजय ने टीना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर टीना के चेहरे पर खुशी की लकीरें आ गईं। इन दोनों की शादी को अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो ये सालों से एक दूसरे के साथ हैं। शूट खत्म होने के बाद टीना, रितिका और रणविजय एक साथ ही मुंबई वापस लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रणविजय दूसरी गाड़ी से वहां से निकल गया ताकि किसी को शक ना हो कि वो टीना के साथ था। वहां एयरपोर्ट पर टीना को पिक करने के लिए प्रणय ने उसकी नई मैनेजर रोमा को भेजा हुआ था। वह एयरपोर्ट पर पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी, पैरों में 10 इंच की हील और आंखों पर काले रंग के चश्मे के साथ वो इस तरह से खड़ी थी कि मानो वो कोई मैनेजर नहीं बल्कि फिल्म स्टार हो। बीच बीच में वो अपने रिस्ट वॉच में टाइम भी देखे जा रही थी। टीना ने उसके हाथ में पड़ा अपना नाम का बोर्ड देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके रितिका के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। जैसे ही टीना गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर निकली, उसके पास रोमा की कॉल आ गई। रितिका, तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई क्या? रोमा ने पूछा। नहीं तो, रितिका ने आराम से उत्तर दिया। तो तुमने मुझे एयरपोर्ट पर देखा नहीं क्या? मैं बोर्ड लेकर खड़ी थी, रोमा ने कहा। देखा था, बट तुम चश्मा लगाकर खड़ी थी ना, तो मुझे लगा कि तुम एयरपोर्ट पर किसी शूट के लिए आई हो, सो मैं वहां से निकल आई, टीना ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा। मैं, रोमा ने गुस्से में आकर फोन रख दिया और फिर वहां से भागते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रोमा ने इस इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले ही काम करना शुरू किया है। उसने कुछ छोटे मोटे मॉडल्स को फेमस होने में भी मदद की है, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा नहीं कर सकी जिससे कि उसकी इमेज अच्छी बन सके। यूसुफा ने ही उसे टीना के लिए चुना है ताकि वो उसके इशारे पर काम करती रहे। उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस आउटडेटेड मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 20 मिनट में टीना की कार पीजी ग्रुप के ऑफिस में पहुंच गई। गाड़ी से उतरकर वो सीधे ही प्रणय के ऑफिस में पहुंच गई। गुस्से में उसने ऑफिस का दरवाजा खोला और जाकर प्रणय के सामने खड़ी हो गई। अभी तक मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला, क्या वाकई में तुम्हारे और यूसुफा के बीच कुछ चल रहा है? प्रणय ने अपना काम बीच में ही रोककर टीना की तरफ देखा और फिर बात बदलते हुए कहा। तुम आ गई वापस, कब आई? कब से चल रहा है ये सब, तुम्हारे और यूसुफा के बीच ये सब कब से चल रहा है? टीना अभी भी अपने सवाल पर अड़ी रही। टीना, प्रणय चिल्ला पड़ा, तुम्हें पता है तुम कितनी बकवास करने लग गई हो अब, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, टीना ने प्रणय की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा। प्रणय, तुम दोनों मुझे खिलौना समझते हो, जब चाहो खेलो और फिर फेंक दो। टीना, अब मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं यूसुफा के साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्रणय ने टीना की तरफ अजनबी की तरह देखते हुए कहा। हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रह गया है, अब से हमारे बीच बस बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी कंपनी की एक एम्प्लॉय हो और कुछ नहीं। टीना को प्रणय की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा, प्रणय, मुझे ये भी पता है कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं खत्म करोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो यूसुफा कभी इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में खुद को खड़ा नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुमने मेरे लिए ये इवेंट भी रखा है ना, टीना ने पूछा। अभी तुम्हारे स्टेटस के अनुसार ना ये इवेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, और हाँ, अब से रोमा तुम्हारी नई मैनेजर है, तुम्हें उसके सारे ऑर्डर फॉलो करने होंगे, प्रणय ने डॉक्यूमेंट्स के कुछ पन्ने पलटते हुए कहा। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसे किसी बात का दुख नहीं हो रहा था, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें पता है प्रणय, जो लोग किसी के साथ धोखा करते हैं ना, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है, टीना ने गुस्से से भरे लफ्जों में कहा और फिर वो ऑफिस से बाहर निकल गई। उसका इशारा पीजी ग्रुप की बर्बादी पर था। टीना अपने कमरे में लौट आई। वो अभी बैठी हुई थी कि उसकी नई मैनेजर रोमा गुस्से में लाल हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें पता नहीं है क्या कि अब से मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और तुम मेरी आर्टिस्ट हो और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं? तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं करना है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की?
उसकी बातें सुनने के बाद टीना उठ खड़ी हुई और फिर उसके पास जाकर कहा, क्या कहा तुमने अभी, जरा रिपीट करना तो। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, रोमा ने गुस्से में ये शब्द बोले। जैसे ही उसके मुंह से ये निकला, टीना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। आगे से औकात में रहकर बात करना मेरे से, टीना ने उसे घूरते हुए कहा। रोमा का दिमाग सुन्न हो गया। वो टीना से लड़ने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि टीना ने उसके हाथ में फोन पकड़ाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे ये फोटोज मीडिया में देने वाली हूँ, एक सेकंड में तुम्हारा सारा खेल खत्म। रोमा ने जब तक उन फोटोज को नहीं देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि टीना किस बारे में बात कर रही है। जैसे ही उसने फोन में फोटोज देखे, उसका दिमाग चकरा गया। इन फोटोज में वो एक डायरेक्टर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। रोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीना के पास ये फोटोज कहां से आई। ये नहीं हो सकता, ये फेक फोटोज भी हो सकती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें यूसुफा ने भेजा है, मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आओ ना तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे रोमा का शरीर थर थर कांपने लग गया। अगर उसे पहले पता होता कि टीना के पास ये सब है तो वो कभी भी यूसुफा के कहने पर टीना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए। टीना, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मेरी फोटोज रिलीज मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, प्लीज तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी अब से, टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार बता रही हूं कि उनके लिए बहुत सीधी हूं जो मेरे साथ इज्जत से पेश आते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेलोगी तो फिर तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी ना कि दोबारा कभी उठ खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत नहीं बचेगी। अब से तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो, लेकिन अगर तुमने कभी कुछ इधर उधर किया तो उसके अंजाम के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। टीना का गुस्सा देखकर रोमा की हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद टीना बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसने प्यार से रोमा से पूछा, इवेंट के लिए कब तक जाना है? आप जा रही हैं? रोमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीना क्या करने वाली है। तुम बस बताओ कब जाना है, टीना ने उसकी बात काटते हुए कहा। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।